स्वागत है आपका इस चैनल में। अनुपम सौंदर्य का धनी, मोहक नृत्य के लिए प्रसिद्ध मोर सिर का मुकुट एवं अपनी नीली हरी गर्दन उठाए इतराता चलता है। सुरमर्द लंबी लंबी परों पर मोर को मानव ने हमेशा से चाहा है। बरखा की झीनी झीनी फुहारों के बीच इसके पैर नाचने के लिए थिरक उठते हैं। यही कारण है कि इसका वर्णन सभी भाषाओं में किया गया है। वयस्क नर की 3 से 4 फुट लंबी नेत्राकार चमकदार चित्रों से सजी हुई दुम वास्तव में ऊपरी पिच्छ वरक होते हैं जो असाधारण रूप से लंबे हो जाते हैं। नर की तरह मादा में भी कलगी होती है किंतु आकार में मादा कुछ मोटी छोटी होती है। उसकी ग्रीवा के निचले भाग में धात्विक हरी तथा भूरी बिंदियाँ होती हैं। उसकी दुम उतनी सजावटी तथा आकर्षक नहीं होती। पर्णपाती जंगलों में टोलियों या झुंडों में रहती है। इसके अतिरिक्त गांव तथा खेतों के आसपास अर्ध पालतू अवस्था में देखे जाते हैं जहां धार्मिक भावना के कारण लोग उसे नहीं मारते। भारत में सभी जगह हिमालयवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय रूप से 5,000 फुट की ऊंचाई तक मिलता है। बर्मा में इसके स्थान पर पेवो म्यूटिकस नामक एक दूसरी जाति पाई जाती है जिसकी कलगी नुकीली होती है। घने झाड़ झंझाड़ बाले क्षेत्रों पर्णपाती जंगलों और मैदानों तथा गिरिपादों में विशेषकर नदियों और झरनों के आसपास रहना पसंद करती हैं। आमतौर पर एक नर के साथ 4-5 मादा रहती हैं किंतु कभी कभी नर और मादा की अलग अलग टोलियां भी देखी जाती हैं। बहुत ही शर्मीली किंतु हमेशा सचेत रहते हैं। पेड़ पौधों के नीचे होकर चुपके चुपके पैरों से चलते हैं। एकाएक किसी अजनबी के सामने आ जाने पर या किसी खड्डे या खुली नदी नाले को पार करने के लिए ही उड़ते हैं। रात में बड़े वृक्षों पर बसेरा लेते हैं। अनाज छोटे छोटे पौधों के कोमल पररोह कीट छिपकली सांप आदि इसके भोजन होते हैं। कुछ तेज कर्कश में अवे जैसी चित्कार और कुछ रुक रुक कर निकलने वाली कान कान जैसी चीख जो 6 से 8 बार दोहराई जाती है। इस ध्वनि के साथ साथ चिड़िया का सर और गर्दन ऊपर नीचे हिलती रहती है। मोर अपनी मोरनियों के सामने अपनी सुंदर दुम को फैलाकर चलता है। अपनी सुंदरता की वजह से यह राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर अपनी मादा के सामने तरह तरह के हाव भाव दिखाकर प्रणय निवेदन करता है। प्रणय निवेदन करते समय यह अपने सारे पंख खोल देता है और मस्ती में नाचने लगता है और फिर मोरनी इस प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लेती है। प्रकृति ने इसे अद्भुत सुंदरता प्रदान की है। इसका प्रजनन काल जनवरी से अक्टूबर के मध्य होता है। यह अपना घोंसला प्रायः कतरस चीला इत्यादि झाड़ियों के बीच बनाता है जिस पर सूखी पत्तियां बिछी रहती हैं। इसकी मादा एक बार में 3 से 5 तक अंडे देती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें प्रसव वेदना सर्वाधिक होती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत सुंदर पक्षी है। इसका नृत्य संसार प्रसिद्ध है और इसका नृत्य देखने का आनंद अद्भुत होता है। अति सुंदर पक्षी है।